Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Anuj and you are watching Class A Fitness. Cover करने वाले हैं whey protein और white egg. दोनों को आज हम compare करेंगे कि rate में कैसा है, price कैसा है इसका, दोनों में price में best क्या चीज़ है जिसको ले सकते हैं, biological ability कैसी है इसकी, quality में कैसा है और absorption कैसा है इसका body का, कि ये body कैसे हमारी इसको adjust करती है. आज इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे फूड जो आपको रिच क्वालिटी में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं बहुत इजी वे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले वे प्रोटीन की. वे प्रोटीन पाउडर जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है तो नॉर्मल अप्रॉक्स 5,500 और 6,000 के बीच में हमें 5 LBS का मतलब जो डब्बा होता है वो मिलता है. लेकिन हम एक एवरेज लेंगे जैसे 5,500 इतना लेंगे तो 5,500 में हमें 5 LBS मिल रहा है. 5 LBS में 2.2 kg प्रोटीन हमें मिलता है. तो अगर हम इस चीज़ को अगर कंपेयर कैलकुलेट करें तो देखेंगे हम कि एक जो स्कूप होता है वो 25 ग्राम का होता है. तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स ये हमें 80 रुपीज़ का एक स्कूप पड़ रहा है. तो अंडे की बात कर रहे हैं हम तो वाइट तो पूरे होल एग की बात करते हैं तो वो पूरा अप्रॉक्स 6 ग्राम प्रोटीन होता है. लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे इसमें वे प्रोटीन की तो इसमें वाइट पार्ट में 3.6 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है. तो अगर हमें अपनी डेली की नीड जो 25 ग्राम प्रोटीन है अगर वो पूरा करना है तो हमें अप्रॉक्स 7 to 8 eggs लेने पड़ेंगे. तो अगर देखा जाए तो जैसे कि मेरे यहाँ ये जो वाइट जो एग है वो मिलता है 7 से 8 रुपये का. तो अगर इसको अगर कंपेयर करें मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो एग होगा वो पड़ेगा अप्रॉक्स 49 to 50 rupees पड़ेगा. तो गाइस इस दोनों चीज़ों में हमारा जो वाइट एग है जैसे कि हमारा प्रोटीन पड़ रहा है 80 rupees का 25 ग्राम और एग पड़ रहा है 50 rupees का 25 ग्राम. तो मुझे तो वाइट एग बेटर लगा और अच्छा है तो इसमें वाइट एग बेटर है. प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन रेट की तो जो वे प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 8 से 10 ग्राम पर आवर है. मतलब कि हमारा जो ये प्रोटीन है 8 से 10 ग्राम हर घंटे डाइजेस्ट होता है. क्योंकि गाइस इसमें ना इतना जल्दी डाइजेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने में बहुत जल्दी इसकी हेल्प करते रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे. और सो गाइस जो वाइट एग का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो है 2.8 ग्राम या 3 ग्राम ये हर आवर में हर एक घंटे में हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को. और इसका मतलब लेकिन ये नहीं कि ये पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है. गाइस वाइट एग है तो ये पूरा बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करती है पूरा डाइजेस्ट होता है. और डाइजेस्ट जल्दी इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि गाइस ये रॉ प्रोटीन है तो जो भी हम रॉ चीज़ें लेते हैं वो हमारी बॉडी जल्दी नहीं धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करती है. तो इसका भी एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा ही है. क्वालिटी ऑफ प्रोटीन तो अगर क्वालिटी की बात आई है तो असली नकली की तो बात आएगी ही. तो गाइस प्रोटीन नकली भी मिलते हैं और एग्स भी नकली मिलते हैं तो वो हमारे ऊपर है कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं या कैसे ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं. तो चलिए बात करते हैं पहले सप्लीमेंट की वे सप्लीमेंट की. तो गाइस आप जितना भी अच्छा पैसा खर्च करेंगे और जितने अच्छे ब्रांड पे जाएंगे जैसे कि अमेरिकन ब्रांड हो गया तो जैसे हमारे एथलीट्स होते हैं प्रीफर करते हैं अमेरिकन ब्रांड क्योंकि यार अमेरिकन ब्रांड थोड़ा सा ट्रस्टेबल होता है और ये सब चीज़ें होती हैं उसमें. तो अगर आप जितना अच्छा ब्रांड यूज़ करेंगे जितना पैसा खर्च करेंगे आपको क्वालिटी उतनी ही अच्छी मिलेगी. एग की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है क्योंकि गाइस एक अंडा जो है 7 से 8 रुपए का आ रहा है तो आप कैसे क्वालिटी चेक कर सकते हैं. इसकी क्वालिटी आप ऐसे पता कर सकते हैं कि ये किस फार्म से आ रहा है वहाँ पे मुर्गियों को कैसे पाला जाता है उनकी डाइट क्या खिलाया क्या जाता है तो ये उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है. तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए वे प्रोटीन या वाइट एग दोनों में से अच्छा क्या है आपको क्या लेना चाहिए. बट मेरा ओपिनियन ये है कि गाइस अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए आप दिन भर में 7 से 8 अंडे खा सकते हो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर ले जाएगी. बट उससे ज़्यादा अगर आप खाते हो तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा हो सकता है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए. बट जो एडवांस एथलीट्स हैं जिनका वर्कआउट हाई इंटेंसिटी का है उनके लिए तो सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी क्योंकि जब हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं तो आपके टिश्यूज डैमेज होते हैं आपको फास्ट रिकवरी चाहिए होती है. तो फास्ट रिकवरी के लिए आपको सप्लीमेंट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी अच्छे हैं और क्योंकि वो अच्छा डाइजेस्ट होता है बॉडी में तो आपको सप्लीमेंट यूज़ करना पड़ेगा. तो चलिए गाइस आप उस टॉपिक पर आ जाते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपको कि मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे हाई प्रोटीन फूड्स. सोयाबीन गाइस सोयाबीन में आपको बहुत
हाई क्वालिटी में प्रोटीन मिलता है। आप एक कप में 68 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है गाइस, कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है। और हम लोग जैसे सोयाबीन को इग्नोर करते हैं, सो गाइस यूज़ करिए इसको, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकेंड चीज़ आ गया आपका आलमंड, बादाम। बादाम में गाइस इतने ज़्यादा क्वालिटी में न्यूट्रिशंस, इसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है। आपको 28 ग्राम बादाम में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। और तीसरा ओट्स। ओट्स गाइस बहुत ही हेल्दी फूड है, बहुत हेल्दी फूड है ये। आपके वर्कआउट के बाद आपको बहुत फास्ट रिकवरी देता है। आप एक कप ओट्स में आपको 307 कैलोरीज आपको ये प्रोवाइड करता है गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है ओट्स। तो जो भी मैंने आपको बताया, शायद आप यूज़ करोगे इसको और वो इजी वे में घर पे अवेलेबल हो जाएंगे और आपको आपकी प्रोटीन की जो नीड है वो पूरी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही अपने इस चैनल को।